पश्चिम की तरफ पड़ती है, दोपहर को जब सूरज ठीक हमारे सिर पर ढलता है
नीचे पहुंच जाती है और जब सूरज पश्चिम में उगता है तो यही परछाई पूरब की तरफ पसर की चली जाती है। अगर इस परछाई को हमें गोलाकार आकृति की पट्टी पर रखते हैं ताकि परछाई बराबर गति से घूमती रहे तो हम दिन में कभी किसी भी समय का अनुमान लगा सकते हैं। ध्रुव घड़ी हमारे इसी काम में मदद करती है। ध्रुव घड़ी पर लगे चिन्हों से सुबह से शाम तक का समय सहजता से पता किया जा सकता है। ये पट्टी जितनी बड़ी होगी समय की जानकारी उतनी सूक्ष्म व सही होगी। लघु सम्राट यंत्र में हम मिनट के 20वें सेकंड तक को देख सकते हैं और बृहद सम्राट में हमें 2 सेकंड के बीच जानकारी मिल जाती है। इस बृहद यंत्र की सीढ़ियां उत्तरी ध्रुव तारे की सीध में ऊपर जाती है, यानी इन सीढ़ियों की सीध धरती की उत्तर दक्षिणी धुरी के समानांतर है। नीचे का हिस्सा एक बड़े घेरे का आधा हिस्सा है। अगर ये घेरा पूरा बना दिया जाए तो सीढ़ियां इसके बीच में आ जाएंगी और ये धरती की भूमध्य रेखा को दर्शाएगा। इस तरह के यंत्र दरअसल हमारी धरती की एक नकल है। सीढ़ियों के ढलान का कोण धरती पर इस यंत्र की जगह के अक्षांश पर निर्भर करता है। जयपुर में इन सीढ़ियों का कोण 27 डिग्री है और धरती पर जयपुर का अक्षांशीय कोण भी 27 डिग्री ही है। हमारी धरती भी अंतरिक्ष का हिस्सा है जिसके आकाश मंडल के तारे एक गोले में बिखरे हुए प्रतीत होते हैं। इसे हम खगोलीय गोला कहते हैं। हर राशि के लिए एक अलग यंत्र है और इन यंत्रों की सहायता से हमें राशियों की आकाश में स्थिति का अनुमान लगाते हैं। इन्हें हम राशि वलय यंत्र कहते हैं। हमारी 12 राशियां सूर्य के काल्पनिक मार्ग पर होती है और आकाश को 12 बराबर भागों में बांटती है। रात के अंधेरे में हमें इस राशि घटी के सिर्फ एक भाग की राशियां नजर आती है और दूसरे भाग की राशियां सूरज के उजाले में छिप जाती है। साल भर में सूरज जैसे जैसे सभी राशियों के सामने बारी बारी आ जाता है वैसे वैसे हम बाकी राशियों को भी रात के अंधेरे में देख पाते हैं। इससे हमें महीने और साल पूरे होने का हिसाब भी मिल जाता है। धरती की धुरी पर घूमने के कारण दिन में ये राशियां हमारे ठीक ऊपर आ जाती हैं। सिर्फ उस समय हम राशि वलय यंत्र से उनकी स्थिति का अनुमान लगाते हैं। यहां के हर यंत्र का अपना महत्व है। ये राम यंत्र जैसे कि वैज्ञानिक सूझबूझ का प्रमाण है। इससे हम किसी भी तारे या ग्रह की स्थिति यानी दिशा और ऊंचाई जान सकते हैं। सही गणनाएं देने के लिए इसे 2 भाग में बनाया है ताकि इसे होकर आसानी से गणनाएं की जा सके। समझने के लिए सूरज का एक उदाहरण दे दीजिए। दिन भर में सूरज की स्थिति के अनुसार राम यंत्र के शंकु की परछाई की दिशा और लंबाई बदलती रहती है जो एक समय पर एक ही अंक पर दिखती है और हमें सूरज की स्थिति का प्रत्यक्ष माप दे देती है। इस यंत्र में 2 पैमाने हैं। एक पैमाने पर उत्तर की ओर से दिशा मापते हैं और दूसरे पैमाने से हम जमीन से उसकी ऊंचाई इसकी सतह सपाट होने के कारण परछाई बराबर गति से नहीं चलती। अगर एक ही सतहों को एक गोलाकार रूप में ढाल दिया जाए तो हमारे पास एक समतल सतह आ जाती है। इसमें दिशा और ऊंचाई के दोनों पैमाने लगातार चलते हैं और गणना ज्यादा सटीक और आसान हो जाती है। यही प्रयोग जय प्रकाश यंत्र में किया गया है। वास्तव में जय प्रकाश यंत्र खगोलीय गोले का नमूना है। इस आधे गोले को अगर पूरा कर लिया जाए तो यह खगोलीय गोले को दर्शाता है और इस शंकु धरती को जो गोले के मध्य में स्थित है। इस यंत्र की मदद से की गई गणनाएं खगोल की वास्तविक स्थितियों का प्रतिबिंब होती है। मानो खगोलीय गोले को उल्टा करके जमीन पर रख दिया गया हो। गणनाएं आसान करने के लिए इसे भी राम यंत्र के समान 2 संपूर्ण
जयपुर यंत्र जंतर मंतर का सबसे पूर्ण यंत्र है, जो राजा जयसिंह के अपने नाम के अनुरूप है, और जिसकी मदद से हम सभी गणनाएं कर सकते हैं, या यूं कहिए कि सम्राट यंत्र, राशि वाला यंत्र और नाम यंत्र की समस्त विशेषताएं आदि किसी एक यंत्र में समा गई है। इस यात्रा में हम सफल बनने के लिए अंदर घुसने का तो 3,000 रुपये है, बाहर का Thank you.
बीच में एक सवेरे शॉप है सर,